Look what do I have here. Finally the mirror is changed. सो ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों पहले, तीन चार दिन पहले मैंने फेसबुक पेज पे, मेरे चैनल के फेसबुक पेज पे एक स्नैपशॉट डाला था स्पॉन नाइट किंग SJCAM400 एक्शन कैम गिव अवे गिव मी अवे ओफ सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था थोड़ा. हाँ तो तो क्या गिव अवे ओके बैक ऑन ट्रैक. तो गिव अवे के बारे में मैंने स्क्रीनशॉट डाला था. लोगों ने पूछा कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है भाई, लॉटरी लग गई क्या, दिवाली है क्या, पैसे ज़्यादा हो गए क्या. तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो देख रहे हो सामने कैमरा, ये तो ये कैमरा मैंने गियर बेस से मंगाया था बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में. उन लोग का गियर बेस का कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था तभी. और ये कैमरा 1080p 60 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड करता है, 4K 24 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड करता है. तो मुझे 1080p 60 फ्रेम्स ही चाहिए था. मेरे लास्ट के कुछ वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो वो यही भी ये कैमरा से ही रिकॉर्ड हुए हैं. तो ये कैमरा का नाम है एलीकैम एली एक्सप्लोरर एलीट 4K. गियर बेस्ट पे इसका प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है. मैं अगर अल्टरनेट डेज चेक करता हूँ तो कभी $70 रहता है, कभी 60 रहता है, कभी 40 रहता है, कभी 59 वगैरह रहता है. तो वेरियंस है बहुत ये कैमरा के प्राइस में. लास्ट वीक क्या हुआ कि मैंने ये कैमरा हाथ में लिया घर में, मैं थोड़ा कुछ टेस्टिंग कर रहा था कैमरा का. तो हुआ क्या कि मैंने रुकने को बोला तो भी फिर भी सब लोग जा रहे हैं. तो मैंने फ़ोन को, मेरे फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन, उसको मैंने कनेक्ट किया वाईफाई के थ्रू कैमरा के साथ, जो सामने कैमरा है उससे कैमरा के साथ कनेक्ट किया. और सडनली पता नहीं क्या हुआ, एप्लीकेशन कैमरा का क्रैश हो गया और फ़ोन हैंग था. तो मुझे एप्लीकेशन किल करना पड़ा, फोर्स क्लोज किया एप्लीकेशन को. बाद में फिर कैमरा देखा, कैमरा का स्क्रीन फ्रोज़न था. फिर कुछ देर के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई और मैंने बैटरी पुल आउट कर ली उसकी कि बाबा कुछ हो ना जाए इसके लिए. बैटरी पुल आउट किया और वापस डाली तो ऑन ही नहीं हो रहा था कैमरा. तो ऐसे ऑलमोस्ट मैंने दो दिन तक कुछ रिसर्च किया कि बाबा ऐसे क्यों हो रहा है कि कैमरा अपने आप काम कर रहा था और कैमरा काम करते करते बंद हो गया. तो कुछ लोगों ने ये इशू फेस किया था कि बाबा कैमरा ऑन है, चाइनीज़ या भी ये जो चाइनीज़ कैमरा होते हैं चाइनीज़ कंपनी के, वो लोग का सबका ऑलमोस्ट IC मदरबोर्ड वगैरह सब सेम रहता है, सिर्फ लेंसेज डिफरेंट यूज़ होते हैं. लेंसेज और सॉफ्टवेयर जो अंदर का होता है वो थोड़ा डिफरेंट यूज़ होता है, बाकी आर्किटेक्चर पूरा सेम रहता है. तो दूसरों का भी कुछ सॉल्यूशन हो तो वो चल जाता है. मैंने चेक किया पर वो किसी का सॉल्यूशन नहीं था. फिर क्या, मेरा दोस्त है जो कह रहा, उसके पास मैं कैमरा लेके गया, ये उसको बताया ऐसा ऐसा हुआ है करके. तो उसने ही मेरे SJCAM पे माइक मोड करके दिया था मुझे. तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, इंजीनियर है, उसको सब आता है करने के लिए. उसके हाथ में दे दिया, मैंने हाथ में दिया और मैं चला गया. बोला कि बाबा हाँ तू देख ले, बाद में आता हूँ बोला. तो मैं जैसे निकला वो चिल्लाने लगा जोर से, अरे इधर आ जल्दी इधर आ. मैं भाग के गया, बोला क्या हुआ इतना क्यों चिल्ला रहा है. तो बोला अरे देख कैमरा चालू हो गया. मैं बोला अरे भाई तूने किया क्या. तो बोलता है कि मैंने सिर्फ पावर ऑन बटन दबाया चालू हो गया. तो ये था, तो ये अपने आप चालू हो गया लास्ट संडे, मतलब ये अभी जो संडे गया तभी. बट उसके पहले मैं पैनिक होके कि बाबा मेरे पास अभी कैमरा नहीं है अच्छा, वो डर में मैंने एक और कैमरा ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी, जो कि मैंने मंगाया actioncams.in से. इंडियन वेबसाइट है, स्पॉन्सर्स नहीं है वो मेरे, ना ही मैं वो लोग को प्रमोट कर रहा हूँ. बट मैंने जहाँ से कैमरा लिया वो बता रहा हूँ. अगर किसी को
लेना हो तो इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, गियर बेस्ट में 30 डेज लगेंगे, 30 डेज प्लस भी लग सकते हैं डिलीवरी आने के लिए, पर मैंने actioncams.in से लिया, कुछ 10% डिस्काउंट मिला मुझे, क्रिएटिव बास्टर ने रिव्यू का वीडियो डाला था, उसके आगे एक कूपन कोड था, थैंक यू सो मच क्रिएटिव बास्टर फॉर दैट 10% डिस्काउंट वाला कूपन। तो ले लिया मैंने कैमरा, कौन सा कैमरा लिया, अभी मैं करंटली वही कैमरा से, नए कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट वाला ये है, उसके पहले ये लिया था, और सबसे पहले था SJCAM 4000। तो अभी बेसिकली मेरे पास हो गए 3 कैमरास, और फिर अभी ये कैमरा का स्क्रीनशॉट होने के बाद मैंने जो ये नया कैमरा लिया है दी आई क्या पता नहीं, दो तीन टाइप के प्रोनाउंसिएशन है, वाह क्या कट मारा, तो दी आई 60 प्लस ऐसा नाम है। तो ये कैमरा मैंने मंगाया actioncams.in से, डिलीवरी टाइम 3 डेज, वेरी फास्ट सर्विस, 10% डिस्काउंट मिला, 7000 कॉस्ट थी, 10% डिस्काउंट 700 ऑफ 6300 में मेरे को कैमरा मिल गया, और क्या चाहिए। तो अभी वही कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ, अरे बाप रे बाप, मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ यार, मैं तो बाइक पे हूँ, देखो सैमसंग, अरे यार पनवती है हर जगह, बैटरी जो है दी आई का वो भी क्रॉस कंपेटिबल है, SJCAM में भी लगता है, एलीकैम में भी लगता है, दी आई में भी लगता है, तो तीनों की बैटरीज एक दूसरे में लगती है, ऊपर से दी आई के साथ मुझे मिली और 2 बैटरीज, तो भी इन टोटल मेरे पास बैटरीज हो गई हैं SJCAM का 1, एलीकैम का 1, दी आई के अंदर की 1, 3 बैटरीज, 2 मैंने एक्स्ट्रा ली थी, 5, और दी आई के साथ और एक आई फ्री, 6 बैटरीज। 3 कैमरा मैं करूँगा क्या, एक वहाँ सामने लगाया मैंने, एक मुँह पे लगाया, बस हुआ, और SJCAM ऐसे ही पड़े रहेगा घर पे तो मतलब नहीं है। तो SJCAM जो कैमरा है उससे ही मैंने स्टार्ट किया था मोटोव्लॉगिंग, और मोटोव्लॉगिंग जब ही स्टार्ट किया था तभी मुझे आइडिया नहीं था कि फ़ोन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं माइक के थ्रू, तो मैंने जो है SJCAM मेरा वो माइक हैक किया था, तो उसमें कोई भी आफ्टर मार्केट माइक लेके तुम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो मोटो व्लॉग के लिए। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम गिविंग अवे दी SJCAM 4000 वाईफाई। तो बाबा कोई मुझे लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, ना ही दिवाली है, ना ही कोई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है गिव अवे देने के लिए, खुद ही मैं गिव अवे दे रहा हूँ। अभी क्या है कि जब भी मैंने SJCAM लिया था, मैंने कुछ 9999 में लिया था ईवे से, तो जो भी अभी नए मोटो ब्लॉगर्स है या फिर जो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग के लिए सपोर्ट हो जाएगा अगर ये कैमरा उनको मिल गया तो, क्योंकि इसमें माइक सपोर्ट है ऑलरेडी और डिसेंट क्वालिटी पर वीडियो रिकॉर्ड होता है। अगर कोई वेल डन साइकिल नहीं चलाया मैंने, तो अगर कोई मोटो ब्लॉगर ऑलरेडी है जिसके पास ऑलरेडी कैमरा है एक्शन कैमरा, पर अगर वो जीत जाता है गिव अवे में, तो उसके लिए और एक हेल्पिंग हैंड होगा ये कैमरा, सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी कैमरा ही कैन यूज़ इट, ये ओपन कॉन्टेस्ट है, सब लोग एंटर कर सकते हैं, बड़े यूट्यूबर भी एंटर करेंगे और जीत गए तो मैं उन लोग को भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि लिमिटेशन लगाई है मैंने कुछ, जो जीतेगा उसे मिलेगा। तो हाउ टू एंटर दिस कॉन्टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी है मैंने gleam.io करके, तो उस पर क्लिक करना है तुमको, वो लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे 3 स्टेप्स रहेंगे, वो 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, वो 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप कॉन्टेस्ट में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाओगे। तो ये वर्क ऐसे करता है gleam.io, अगर किसी ने यूज़ नहीं किया है, 3 एंट्रीज़ का ऑप्शन है, तो 3 जो वहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वो तीनों तुम्हारी एंट्रीज अलग अलग डालेंगे, मतलब अगर मैंने एक एंट्री पे क्लिक किया वो कंप्लीट किया तो तुम्हारी एक एंट्री रजिस्टर होगी, दूसरे एंट्री पे क्लिक किया वो कंप्लीट किया तो तुम्हारी 2 एंट्री रजिस्टर होंगी, तीसरे पे किया तीसरी कंप्लीट की तो 3 एंट्रीज रजिस्टर होंगी, मतलब एक कंटेस्टेंट 3 एंट्रीज डाल सकता है, मतलब तुम्हारा चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाएगा उतना ही। अगर आप मल्टीपल आईडी से करते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मल्टीपल आईडी से करो, चाहिए उतनी एंट्रीज डालो, दोस्त के आईडी से करो,
विनिंग कैसे डिक्लेयर होगी? तो क्या है कि ये टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम है gleam.io का। वो लोग एंट्रीज कैप्चर करेंगे, जितनी एंट्रीज आएंगी इसका कुछ क्लॉक मैंने सेट किया है, एंड डेट वो आपके स्क्रीन पे होगा अभी। एंड डेट जैसे ही हो जाएगी तो एंट्रीज फ्रीज हो जाएंगी। उसके कुछ दिन बाद, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद 5 दिन बाद मैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे विनर अनाउंस कर दूंगा। वीडियो लेट आएगा, वीडियो तुरंत नहीं आएगा, वीडियो को टाइम लग जाएगा आने के लिए। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना। तो 3 स्टेप्स क्या है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेकंड लाइक माय पेज ऑन फेसबुक, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये 3 स्टेप्स तुम लोग कंप्लीट करोगे, ये मैंडेटरी है, नो मैटर फ्रॉम विच आईडी यू डू एनी प्रोफाइल, एनी व्हाट, एनी जीमेल आईडी और याहू आईडी, आई डोंट केयर, इफ़ यू कंप्लीट दिस 3 स्टेप्स, हाउ मेनी आईडीज यू वांट टू डू विथ, यू कैन डू इट, इट्स ओपन। होप समवन हु रियली नीड्स दिस कैमरा विंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्पॉन नाइट किंग आउट। चलना